नमस्कार, स्वागत है आपका वेकअप इंडिया में। मैं हूं रक्षिता मिश्रा। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रविवार को कहा है कि गांधी परिवार कांग्रेस की एकता के लिए महत्वपूर्ण है। ANI से बातचीत के दौरान गहलोत ने कहा कि राहुल गांधी को पार्टी अध्यक्ष बनना चाहिए। पिछले 3 दशक में गांधी परिवार का कोई भी सदस्य प्रधानमंत्री या मंत्री नहीं बना है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि गांधी परिवार कांग्रेस की एकता के लिए महत्वपूर्ण है। कांग्रेस का DNA और देश का DNA एक है। अब ये जिस रूप में मोदी जी बोलते हैं उसी स्टाइल में हमारे केजरीवाल जी बोलते हैं, बोलने की स्टाइल दोनों की एक सी है। आग लगाना बड़ा आसान काम होता है, कहीं लगा दो आग, आग को बुझाने। गहलोत ने कहा कि पंजाब में पार्टी को आंतरिक कहल की वजह से हार का सामना करना पड़ा। कांग्रेस नेता ने कहा कि 2017 में कांग्रेस एकजुट थी और हम जीते। चन्नी के मुख्यमंत्री बनने के बाद माहौल बना था, लेकिन यह हमारी गलती थी कि आंतरिक कहल की वजह से हम चुनाव हार गए। भारतीय जनता पार्टी पर प्रहार करते हुए राजस्थान के मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि केंद्र की सत्तारूढ़ पार्टी वास्तविक मुद्दों को पीछे छोड़ धर्म को आगे ले आई है। गहलोत ने कहा कि ध्रुवीकरण की राजनीति आसान है। भाजपा ने सोशल मीडिया पर कांग्रेस को मुस्लिम पार्टी के तौर पर पेश किया है। हमारा तरीका देश की एकता और अखंडता को बरकरार रखने का है। चुनाव के दौरान धर्म आगे आ जाता है और महंगाई और नौकरी का मुद्दा पीछे छूट जाता है। इस बीच 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में पार्टी की करारी हार की समीक्षा के लिए कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक जारी है। मुश्किल काम होता है, लोग तो धर्म के नाम पर एक हो जाते हैं, एकजुट हो जाते हैं। इतिहास गवाह है कि धर्म के नाम पर दंगे कितने हुए देश के अंदर, दुनिया के अंदर। इसलिए ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इनका जीतना कोई मैं उसमें नहीं मानता उस रूप में। ठीक है, चुनाव जीतते वो लोग।